नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुद करके देखे में। तो वही दोस्तों, आज मैं आपको बिना बटन का गला कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। मेरे पास कमेंट आया है, इससे पहले मैंने बिना बुकरम के गले की कटिंग बताई थी, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी लिंक। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि इसको हम जोड़ें कैसे कटिंग करने के बाद, तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि बिना बुकरम का गला हम कैसे बना सकते हैं और कितनी फिनिशिंग से बनेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, ये पट्टी पे ऐसे चारों तरफ से कच्चा कर दिया है, ऐसा कच्चा कर लीजिए आप। फिर पट्टी को इसके ऊपर सेट करिए, गले के ऊपर जिस तरफ से आपको सिलाई शुरू करनी है उसके दूसरी साइड पे आप ऐसे सुई टांग दीजिए और एक यहाँ बीच में भी लगा दीजिए, इससे पट्टी हमारी सेट हो जाएगी। और अगर आप न्यू हैं तो इसको कच्चा भी कर सकते हैं, सुई से पहले चारों तरफ से कच्चा कर लीजिए और उसके बाद सिलाई कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ उसके बाद। ये देखिए, ऐसे हम ये दबाव बिल्कुल एक पैर का रखना है। एक पैर का मतलब होता है ये जो ये किनारा है कपड़े को इसके बराबर रखेंगे और इसी से दबाव करते हुए हम सिलाई करेंगे इसकी। तो ये पट्टी हमने सील ली है, अब इसमें जहां से गुलाई शुरू होती है वहां पे ऐसे छोटे छोटे कट लगा देंगे कैंची से। कट लगाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कट जाए, सिलाई तक ये कट लगाने हैं हमको। ये देखिए, ये मैंने कट लगा दिए हैं, अभी पट्टी को हम ऐसे पलटेंगे तो ये एकदम से अंदर जाएगी। इस पट्टी के ऊपर इसको हम ऐसे रखेंगे और जो ये सिलाई का रुख है कपड़ा हमारा, इसको इधर ले जाएंगे पट्टी की तरफ और एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे बिल्कुल नोक से। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको ये सिलाई हम कैसे लगाएंगे। ये देखिए, इसको इधर रखेंगे और अभी इस पर लगाएंगे सिलाई। ये बिल्कुल नोक की सिलाई लगेगी। ये देखिए, ये लग गई है सिलाई। अभी पट्टी को हम अंदर फोल्ड कर देंगे ऐसे। इसको अंदर फोल्ड करके आप प्रेस कर सकते हैं, अगर प्रेस ना भी अवेलेबल है तो इसको ऐसे करें और ऐसे दबाते जाएं, अपने हाथ से ही प्रेस कर दें इसको। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम कच्चा करेंगे वापस। ये एक सुई इधर टांग देंगे फिर से और इधर से इसके ऊपर। अगर आपका सूट प्लेन है तो यहाँ से भी एक सिलाई लगा सकते हैं, अच्छी लगेगी देखने में। तो इसमें कढ़ाई है इसलिए मैंने लगाई नहीं और इसको ऐसे चारों तरफ से ऐसे कच्चा कर देंगे। सॉरी, तीन ही तरफ है इसमें तो चार नहीं है।
तो ये देखिए, ये हो गया है तैयार अभी गला। बिल्कुल फिनिशिंग से, इसमें कोई बुकरम नहीं लगाई है, कोई पेस्टिंग नहीं लगाई है, सिंपल कपड़े की पट्टी ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही हम पीछे वाला गला बना लेंगे और सिंपल अपने कुर्ती की सिलाई कर लेंगे। बताइएगा आपको ये गला पट्टी लगाने का तरीका समझ आया कि नहीं और पसंद आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको देती रहूं और आपको मिलते रहें नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।